तो ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें हर किसी पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर मैलरी को। दोस्तों इसकी कुछ ही हफ्तों में शादी होने वाली है, इस वजह से ये डिसाइड करती है कि शादी के चक्करों में पड़ने से पहले ये थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय कर ले, और इसीलिए ये बस एक ऐसी ही रैंडम ट्रिप के लिए निकल पड़ी है। वो अपनी ट्रिप के आधे ही रास्ते में थी कि इतने में ही उसकी कार खराब हो गई। मैली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो इस जगह पर कार को कैसे ठीक करेगी, जिसके बाद वो अपनी सारी कोशिशें करने लग जाती है कि तभी अचानक से उसके सामने एक बंदा आया, जिसे देखकर पहले तो मैलरी डर गई, पर अगले ही पल वो बंदा उसे कम्फर्ट करते हुए पूछता है क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है, जिस पर मैलरी ने उसे बताया कि उसकी कार खराब हो गई है और क्या वो उसकी कार को रिपेयर कर सकता है, जिस पर वो बंदा उसकी हेल्प करने में लग गया। उसने अपना नाम क्रिश्चियन बताया और वो बहुत ही जल्दी कार को ठीक कर देता है, जिसके बाद मैलरी उसे थैंक्स बोल करके वहां से जाने लगती है। पर तभी कुछ दूर जाकर के उसे रियलाइज हुआ कि उसे उस बंदे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उसने भी तो उसकी हेल्प की थी, जिसके बाद वो अपनी कार को उसके पास ले जाकर उसे लिफ्ट के लिए पूछती है। क्रिश्चियन ने भी उसे हाँ कर दिया और ये दोनों ही उसकी कार में बैठकर आगे का सफर तय करते हैं। इस बीच रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और हम देख पाते हैं क्रिश्चियन एक बहुत ही अच्छा बंदा है। वो मैलनी को भी बहुत हंसाने की कोशिश करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट शेयर करते हैं। पर तभी कुछ ही देर में अचानक से पता नहीं क्रिश्चियन को क्या हुआ कि वो उसके साथ काफी क्रीपी टाइप की बातें करने लग जाता है। पहले तो मैलनी भी इस चीज को थोड़ा सा हल्के में लेती है, पर उसकी बातें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो मैलनी को डरा रही थी। मैलनी इतना ज्यादा डर गई कि वो कार को रोककर उसे कार से उतरने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, पर इतने में ही क्रिश्चियन अपने पास पड़ा हुआ चाकू उसे दिखा करके कार को वापस चलाने के लिए बोलता है। मैलनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसकी बात मान करके कार को चलाने लग जाती है। उस दूर जाकर के मैलनी ने ये चीज नोटिस किया कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए मैनली ये डिसाइड करती है कि वो कार का एक्सीडेंट करा देगी, जिस पर क्रिश्चियन को चोट लग जाएगी और मैनली को एक अच्छा मौका मिल जाएगा वहां से भागने का। हालांकि प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये वर्क नहीं करता, क्योंकि कार के डिसबैलेंस करते ही वो कार एक खाई में जा गिरती है और क्रिश्चियन उस कार से निकल कर दूर जा गिरता है, पर उसके अपोजिट मैनली उसी कार में फंस गई थी। उस देर में क्रिश्चियन को होश आ गया और वो मैलनी को इस तरह से फंसा देखकर उसे वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे करके शाम हो जाती है। बहुत देर तक ऐसे लटके रहने की वजह से मैलनी को बहुत पेन हो रहा होता है और इसी दर्द से कराते कराते वो सो जाती है। इसकी अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो अपने सामने क्रिश्चियन को देखती है, जो उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर रहा था। वो उसे खाने के लिए कुछ खाना और पानी मांगती है, पर क्रिश्चियन उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता और उसे वैसे ही घूरने लगता है, जिसके बाद वो वहां से चला गया और कुछ देर के बाद वो वापस आता है, जब वो अपने साथ कुछ खाने के लिए और पीने के लिए एक ड्रिंक लाया था, और वो क्रिश्चियन को ना देकर बल्कि उसे और भी ज्यादा तड़पाने के लिए वो ड्रिंक और वो खाना खुद ही खाने लगता है। ऐसे करते करते कुछ देर में शाम हो गई और कुछ ही देर में रात भी हो जाती है। मैलनी को दो दिन पूरे हो चुके थे बिना कुछ खाए हुए और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, और इसके साथ साथ बाहर के टेम्परेचर की मार भी वो नहीं झेल पा रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और मैलनी अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लाइटर पर, जिसके हेल्प से वो कार के अंदर ही आग लगा देती है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिली। पर तभी कुछ चूहे उसे परेशान करने लगते हैं। मैलनी की भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो उन चूहों को ही मार कर खाने लगी और वो वहीं पर सो जाती है। इसकी अगली सुबह मैलनी ने नोटिस किया कि उसके पास फोन वाइब्रेट कर रहा है। उसे तभी अपने फोन की ध्यान आती है और वो पूरी हिम्मत से उस फोन की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि फोन उसके हाथ में आने ही वाला था कि इतने में ही वहां पर क्रिश्चियन पहुंच गया, जो कि उस फोन को उससे छीन कर तोड़ देता है। मैलनी उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, उसकी हेल्प करे, पर क्रिश्चियन को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे एक आरी देते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो अपने पैर को इसकी हेल्प से काट दो।
ये भूल कर और उसे वो आरी देकर कृष्ण वहां से चला जाता है। जिसके कुछ देर के बाद एक बार फिर से रात हो गई, पर आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। धीरे धीरे वो पानी मेल्ली की कार में भी भर रहा था कि इतने में ही एक बार फिर से कृष्ण उसके पास आता है, पर इस बार मेल्ली पहले से ही अलर्ट थी। वो कृष्ण पर अटैक कर देती है। इन दोनों के बीच फाइट होती है और तभी मेल्ली के हाथों में उसकी कार की कीस पड़ गई, जिससे वो छीन कर दूर फेंक देती है। इतनी रात में कृष्ण को वो कीस कहीं नहीं मिलने वाली थी, तो वो वापस चलाता है रोड पर और इतने में ही वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया। कृष्ण उससे हेल्प मांगते हुए कहता है क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है, पर इतने में ही पुलिस ऑफिसर ने नोटिस किया कि कोई लड़की चीख रही है। दोस्तों, ये मेल्ली ही थी जो चीख करके पुलिस ऑफिसर को अपनी तरफ बुला रही थी, पर कृष्ण उसे इस तरह से मैनिपुलेट कर देता है कि पुलिस ऑफिसर को लगने लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है। खैर, कृष्ण तो उसके साथ चला गया, पर यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भरने लगा था कि मेल्ली की कार उसमें डूबने लगी। मेल्ली को समझ में आ जाता है कि उसके पैर को काटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तो वो दिए हुए उसी टूल की हेल्प से अपने पैर को काटने लग जाती है। पर अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि वो कार पानी में फ्लोट करने लगती है और वो सीधा एक वॉटरफॉल की तरफ बढ़ने लगी। पर फॉर्चुनेटली जब उसकी कार गिरती है तो एक पत्थर से टकराने की वजह से मेल्ली उससे रिलीज हो गई। अब तक मेल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो इस लायक भी नहीं बची थी कि वो ठीक से चल भी पाए, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत करते हुए किसी तरह से क्रॉल करते करते वो एक कोने तक पहुंची और यहाँ से वो जंगल में आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाकर के उसे जंगल में एक घर दिखाई दिया और इस जंगल में एक घर देख करके उससे बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो उस घर में हेल्प लेने के लिए अंदर गई, पर उसने नोटिस किया कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि कृष्ण का है। और यहाँ पर कृष्ण उसी पुलिस ऑफिसर को, इसके साथ साथ अपने फैमिली के मेंबर को और अपनी खुद की बेटी को टॉर्चर कर रहा होता है। वो किसी तरह से उसकी बेटी को चकमा देकर छुड़ा देती है, पर इतने में ही वहां पर कृष्ण आ गया जो कि उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। पर मेल्ली पास पड़ी एक गन को उठाकर उसे गन पॉइंट करते हुए वहीं पर रुकने के लिए बोलती है, पर कृष्ण तो रुक ही नहीं रहा था, तो इस वजह से मेल्ली ने उसे शूट कर दिया। पर उस गन की बुलेट कृष्ण को लगती ही नहीं, जिसके बाद वो उसे धक्का दे देता है, लेकिन फिर भी मेल्ली किसी तरह से उससे बचकर भाग जाती है और कृष्ण उसे ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच गया। मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए मेल्ली भी उसे पीछे से धक्का देकर उसी फ्लोर से नीचे गिरा देती है। और यहाँ पर नीचे कृष्ण ने लोगों को बंदी बनाने के लिए बहुत सारे ट्रैप बिछा रखे थे, जिसमें उसका पैर खुद जाकर के फंस जाता है। दूर खड़ी मेल्ली जब ये देखती है तो वो उसके पास आकर के उसे एक टूल देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम इससे अपने पैर को काट करके बाहर निकल सकते हो। ये बोलकर मेल्ली वहां से जाने लगी और उसके पीछे हम देख पाते हैं कृष्ण को इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों, मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।